एक ये सूचना थाना 20 को और ACP 1 नोएडा को प्राप्त हुई थी कि सेक्टर 8 में इन्फोसेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड करके एक फर्म है जो विभिन्न प्रकार के मोबाइल फ़ोन्स को, जिसमें सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन और अनआइडेंटिफाइड मोबाइल फ़ोन जो है वो अपने पास रख करके और उनके पार्ट्स को चेंज करके नया फ़ोन बना करके और मार्केट में बेच रही है, जिसमें वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से बेच रही है। इस पर एक टीम का गठन किया गया था रजनीश वर्मा के नेतृत्व में। इन लोगों की टीम ने जो है रेड की है। रेड करने पे लगभग 350 के आसपास मोबाइल फ़ोन समय डिफरेंट कंपनीज़ के, जिसमें आईफोन है, MI है, वन प्लस है, सैमसंग है इत्यादि के मिले हैं, जो बिल्कुल नए फ़ोन्स जैसे लगते हैं। और इनकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये फ़ोन्स बेसिकली जो भी फ़ोन्स इनके पास पुराने आते थे, लोग पुराने फ़ोन जो बेचते थे, जिनका कोई इनके पास रिकॉर्ड नहीं है सिवाय कुछ नाम है इनके पास, ना किसने बेचा उसका मोबाइल नंबर, ना एड्रेस, ना ही कोई जो है डिटेल्स है, ना बिल है, उन फ़ोन्स को ये खरीद करके या जिस भी तरीके से ले करके और उसके पार्ट्स निकाल के एक नया फ़ोन तैयार करते थे। और उस नए फ़ोन को जो मार्केट की कीमत होती थी, सपोज़ अगर 1 लाख रुपये की मार्केट की कीमत है तो 40,000 रुपये में उसे बेचते थे। तो ख़रीदने वाले को जो है एक तो नया फ़ोन मिल जाता था बिल्कुल, और दूसरा उसे लगता था कि ये चूँकि कंपनी का फ़ोन है, आईफोन है, वन प्लस है, तो ऑथेंटिक होगा। इस तरह से ये फ़ोन बेचते थे। अब तक इन्होंने 2000 से ज़्यादा ऐसे फ़ोन बेचे हैं।